हाय सर। हाँ जी सर, लेले कंपनी ने न्यू वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया है मार्केट में, सो उसकी बस मार्केटिंग कर रही हूँ, प्लीज ले लीजिए ना। मुझे नहीं चाहिए सर, प्लीज मना मत कीजिए। अरे बोला ना नहीं चाहिए। प्लीज ले लो, मना मत करिए। बिक चुकी है सर, आते समय ना बहुत बारिश हो रही थी, बस थोड़ा सा भीग गई हूँ। ठीक है, एक काम कीजिए, आप अंदर आ जाइए। ठीक है सर। बैठिए ना सर, एक ग्लास पानी मिलेगा? बैठिए, मैं लेके आता हूँ। ठीक है सर। पानी लीजिए ना। जी। आप तो पूरी तरह भीग चुकी हैं। आपको तो सर्दी हो जाएगी। एक काम कीजिए, आप कपड़े चेंज कर लीजिए। ठीक है सर, लेकिन आपके घर पे कोई और नहीं है? मेरी बीबी है, लेकिन वो ऑफिस गई है, तो शाम को आएगी। अच्छा ठीक है फिर। आइए ना, मैं आपको कुछ कपड़े दे देता हूँ। ठीक है सर। आइए, एक मिनट के आप, मैं आता हूं। ठीक है। ले लीजिए। जब तक आपके कपड़े सूख नहीं जाते हैं ना, तब तक आप इसे पहन लीजिए। अरे मैडम, आप अब बाहर क्यों आए? ये क्या पहना है? सर ये पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा ये सही है, इसीलिए मैंने पहन लिया। लेकिन सर आप मेरी लेंगे ना पाउडर? तो फिर आप अंदर आइए, मैं आपको मेरे प्रोडक्ट की जानकारी देती हूँ। ठीक है, आइए। तो मैं चलूं? हाँ जी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। ओके बेबी, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मैं अभी जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बेबी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आप बिल्कुल भी ठीक नहीं रहोगे।
पहले अपना व्हाट्सएप तो खोलो। क्यों? मतलब ये है कि एक बार व्हाट्सएप देखो तब तुम्हें पता चल जाएगा। देखा, होश उड़ गया ना तुम्हारा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे 2,00,000 रुपए चाहिए। अगर तूने नहीं दिया ना तो ये वीडियो मैं पुलिस को दिखा दूंगी और तेरे ऊपर रेप केस डालूंगी। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे तुम जैसी लड़कियों के साथ ना सेक्स करना, और मेरे पास ना बहुत पैसा है। तुम बस एक बार पैसा लेके सब खत्म हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें हर मुलाकात पे पैसे दूं तो यार, मैं चाहता हूँ ना कि तुम मुझसे हमेशा मिलती रहो और मैं तुम्हें पैसा देके खुश करता रहूं। और ये डील तुम्हारे लिए बुरी नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे पैसे ट्रांसफर करो, अभी। अच्छा ठीक है, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। यार इतनी जल्दी इसने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, वाओ यार। अच्छा बकरा फसाया मैंने, मजा आएगा। चलो चलती हूँ। क्या तुम कल मुझे मिल सकती हो? हाँ, पर क्यों? कल भी मैं पैसे दूंगा। अच्छा जी, क्या बात है, इतना अच्छा लगा। क्या करें, चीज ही ऐसी हो। मिलूंगी, लेकिन घर पे नहीं, कहीं होटल में मिलते हैं, वो भी 5-स्टार होटल में। चलो ठीक है, होटल राज पैलेस, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके। पकड़ लें दोनों को। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रही है, हमें ऐसी खबर मिली है। और मैडम आप क्या लगते हो इनके? सर वो सच बताओ। सर इस आदमी ने मेरा रेप कर दिया और उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। एक मिनट। झूठ बोल रही है? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए, प्लीज एक बार देख लीजिए। ये सब क्या है, पकड़ लो इसे। और मैडम आप तो अच्छी घर की लगती हो, तो आप कैसे ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाती हो? सर प्लीज प्लीज इसको ना, इसको छोड़ना मत सर, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। अब एक काम कीजिए, सबूत के तौर पे आपका फोन मुझे दीजिए। सावन, मैडम का आता पता लिख लीजिए।
और मैडम को बाहर तक छोड़ा। और मैडम आपको जब भी बुलाए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, आप जा सकती हो। लेकिन इसको छोड़ना मत सर। पकड़ लो इसे। अरे यार तू तो गजब का एक्टर यार, ये बोल एक्टिंग क्या की है? ये लो, ये आपका और ये उनका, अभी आप जा सकते हो। वैसे कौन थे दोनों? अरे ये दोनों भी मेरे ऐसा आर्टिस्ट है, छोटी मोटी एक्टिंग करते हैं। रंची भाई तेरी मुझे बहुत चाली आ रही इस मुसीबत से।